नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर अपने लुक्स और अपने स्टाइल को लेकर सुर्खियों में बनी ही रहती है। सारा अली खान के करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि सारा अली खान से एक बार उनके पिता बेहद ही नाराज हो गए थे। आपको बता दें कि सारा अली खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खासा चर्चा बटोरती हैं। सारा अली खान ने जब अपनी फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड डेब्यू किया था तो इसको लेकर उनके पिता उनसे नाराज हो गए थे, इस तरह की खबरें आई थी। हालांकि सारा ने अब इन खबरों को लेकर चुप्पी तोड़ी है और एक इंटरव्यू के दौरान इस पूरी खबर की सच्चाई बताई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस इंटरव्यू के दौरान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए और साथ ही ये भी जान लीजिए कि सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया था। और साथ ही ये भी खबरें थी कि सुशांत सिंह राजपूत का जब सारा अली खान से ब्रेकअप हुआ था तो वो बुरी तरह से टूट गए थे और उनसे ब्रेकअप के बाद वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोए थे। तो सारा अली खान के साथ केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत भी नजर आए थे। इसको लेकर सुशांत के फिल्म में काम करने के साथ ही सारा अली खान के पिता ने उनसे क्या कुछ कहा था, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की लाडली बेटी और सारा अली खान बेहद ही कम समय में खुद को फिल्मी दुनिया में स्थापित कर चुकी हैं। सारा ने फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और अपनी पहली फिल्म से एक्ट्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि सैफ अली खान अपनी बेटी सारा अली खान से निराश थे क्योंकि एक्ट्रेस ने केदारनाथ को अपनी डेब्यू फिल्म के रूप में चुना था। हाल ही में सारा अली खान ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इन तमाम रिपोर्ट्स की सच्चाई बताई है। आइए आपको बताते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि फिल्म केदारनाथ साल 2018 में रिलीज हुई थी जिसमें सारा अली खान के साथ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। फिल्म में आपदा को एक कहानी के रूप में दर्शकों के सामने पेश किया गया था जिसमें लव स्टोरी का तड़का लगाया गया था। इस फिल्म में सुशांत और सारा की क्यूट लव स्टोरी देखने को मिली थी और फैंस ने इसे काफी पसंद भी किया था। आइए अब आपको सारा अली खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में बताते हैं। दरअसल सारा अली खान ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया कि उनके पिता सैफ अली खान जानते हैं कि जब तक उनकी बेटी किसी फिल्म को लेकर कन्विंस नहीं होंगी तब तक वो उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं करेंगी। उनके पिता ने उन्हें अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। सारा ने कहा कि मेरे पिता सैफ अली खान एक ऐसे एक्टर हैं जो इस बात को समझते हैं कि जब तक मैं किसी भी फिल्म को लेकर कन्विंस नहीं होती हूँ तब तक मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनूंगी। इसके आगे सारा अली खान ने बताया कि उनके पिता को किसी भी चीज़ से कोई समस्या नहीं थी। एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म केदारनाथ के बाद मुझे काफ़ी प्यार और तारीफ मिली है और इस फिल्म के बाद जो भी मैंने किया और जो चुना है उस पर उन्हें हमेशा गर्व रहा है। 20 जून 2021 को दुनिया भर में फादर्स डे को सेलिब्रेट किया गया था। इस खास मौके पर सारा अली खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पिता सैफ संग कुछ थ्रोबैक फोटो शेयर की थी जो उनके बचपन की थी। पहली फोटो में देखा जा सकता है कि सैफ अली खान अपने बेटे इब्राहिम अली खान को गोद में लेकर बैठे हुए हैं। मासूम सारा ने भी अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ रखा है। इस मौके पर सैफ अपने दोनों बच्चों के साथ कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में सारा ने अपने पापा सैफ को पीछे से पकड़ रखा है और इब्राहिम अपने पिता सैफ की गोद में बैठे हुए हैं। इन दोनों फोटोज के साथ सारा अली खान ने लिखा था, हैप्पी फादर्स डे अब्बा। इन तस्वीरों को फैंस ने खूब पसंद किया था। अगर सारा अली खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म अतरंगी रे में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर अक्षय कुमार और धनुष भी हैं। इसके अलावा सारा आदित्य धर की फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा में भी काम करती दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके अपोजिट एक्टर विकी कौशल हैं। वहीं आपको बता दें कि सारा अली खान का नाम केदारनाथ के बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़ा जाने लगा था। कहा जाने लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान को डेट कर रही हैं। हालांकि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तो सारा अली खान को भी जमकर ट्रोल किया गया था। कहा गया था कि सारा संग ब्रेकअप के बाद सुशांत बुरी तरह से टूट गए थे और वो खूब फूट फूट कर रोए भी थे। सारा अली खान के ब्रेकअप के बाद सुशांत सिंह राजपूत एक गहरे सदमे में भी चले गए थे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान के एक साथ डेट करने की भी खबरें आई थी और दोनों को कई बार साथ में स्पॉट भी किया जाता था। कई बार ऐसे किस्से भी सामने आए कि जब सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान की मम्मी अमृता राव के सामने ही उन्हें लगातार देखते रहे और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके सामने उनकी मम्मी खड़ी है।
वहीं आपको बता दें कि अभी सुशांत सिंह राजपूत के निधन को हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत की बरसी पर एक इमोशनल नोट लिखा था और इससे पहले सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह राजपूत के कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को गहरा धक्का लगा था। किसी को भी ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस तरह का कोई कदम उठाया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए थे। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ साथ देश भर में उनके निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई थी। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कई सारे एंगल सामने आए थे, जिसमें से ड्रग एंगल भी एक था, जिसको लेकर कई बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को पूछताछ के लिए एनसीबी ने अपने ऑफिस भी बुलाया था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।